मैं अभिषेक झा, जेपीएस एजुकेयर। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने टोटल क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का सॉल्यूशन बड़े ही प्यार से देखा। उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए होंगे। आज क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 देख पा रहे हो, एक्स दिया हुआ है अंडर रूट 5 प्लस 2√6 अपॉन 5 माइनस 2√6। प्रूव करना है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है ये। सबसे पहले लास्ट क्लास में मैं समझा चुका हूं कि डिनोमिनेटर के अंदर रूट वाले टर्म कभी नहीं होते, इसलिए सबसे पहले इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज करने के लिए सिखाया था अपोजिट साइन से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो नीचे हमारे पास 5 माइनस 2√6 था, 5 प्लस 2√6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लिया। एक जैसा टर्म होता है तो स्क्वायर होता है, बता चुका हूं पहले भी। ऊपर हमारे पास 5 प्लस 2√6 इंटू 5 प्लस 2√6 हो जाएगा 5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर। एंड वापस नीचे देख रहे हैं हम लोग a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। रूट से स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाता है, सो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर के अंदर आ गया हमारे पास 5 प्लस 2√6। एंड डिनोमिनेटर के अंदर देखते हैं 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, 25 माइनस 4 इंटू 6, 25 माइनस 4 इंटू 6 दैट इज 24। और नीचे वाला टर्म हमारा रूट के अंदर है एंड 25 माइनस 24 इज 1, 25 माइनस 24 इज 1। सो फाइनली x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 प्लस 2√6। नीचे 1 लिखने का कोई फायदा है नहीं। अब LHS, क्वेश्चन का LHS वाला पार्ट क्या है हमारा? क्वेश्चन का LHS वाला पार्ट है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वापस वैल्यू पुट कर दो, x निकाल चुके हैं हम लोग, यहाँ x निकाल चुके 5 प्लस 2√6। सो x की वैल्यू को पुट करता हूँ 5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास x माइनस 10 दैट इज 5 प्लस 2√6 माइनस 10 का होल स्क्वायर। फाइनली देखना है इसको क्या हो गया। इस वाले टर्म में हमारा आइडेंटिटी लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2√6 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी, ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी 2 इंटू 5 इंटू 2√6। और दूसरे वाले टर्म में मैं देख रहा हूं हमारे पास 2√6 एज इट इज एंड 5 माइनस 10 इज माइनस 5, 5 माइनस 10 इज माइनस 5 का होल स्क्वायर। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 स्क्वायर इज 25, 2 स्क्वायर 4 एंड √6 का स्क्वायर 6, सो 4 इंटू 6 इज 24, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 20 √6। एंड दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वापस a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को लगा देता हूं, ए स्क्वायर दैट इज 2√6 का स्क्वायर। बहुत बार कर चुका है स्टार्टिंग से, 2√6 का स्क्वायर 24, 2√6 का स्क्वायर 24, 2√6 का स्क्वायर 24। तो 2√6 का स्क्वायर इज 24, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी 2 इंटू 2√6 इंटू 5, 2 इंटू 2√6 इंटू 5। फाइनली क्या है हमारे पास, 25 प्लस 24 इज 49, 25 प्लस 24 इज 49 प्लस 20√6 प्लस 20√6, 24 प्लस 25 इज अगेन 49 माइनस 2 टू जा 4, 5 जा 20, 20√6, 20√6। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ 49 प्लस 20√6, 49 प्लस 20√6 इंटू 49 माइनस 20√6। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पता है आप लोगों को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 20√6 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड 49 का स्क्वायर
2401 होता है। और एक क्लास में स्क्वायर निकालने का तरीका बताऊंगा एक क्लास के अंदर, है ना। 20 का स्क्वायर होता है हमारा 400 एंड रूट 6 का स्क्वायर इज 6, 400 into 6। फाइनली क्या देख रहे हो, 2401 माइनस 2400 और ये हमारा आ गया 1, जो कि हमारा RHS था 1 के इक्वल आना था। अगेन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था हमारा, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन है हमारा। आप पहले के वीडियो में देख भी सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 था बेटा हमारा, x दिया हुआ था रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3 एंड y की वैल्यू दे रखी है रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3। तो फाइंड करना था, किस चीज की वैल्यू को फाइंड करना था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, देखने में मुश्किल जरूर लग रहा है बट ये मुश्किल है नहीं। वापस मैं क्वेश्चन को दिखा रहा हूँ, एक्स की वैल्यू दी हुई है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। वाई हमारा दे रखा है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। तो फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, जब भी इस तरह का सिचुएशन देखा जाए, हाँ एक्स की जो वैल्यू है और वाई की वैल्यू, कुछ ना कुछ उसमें रिलेशन देख रहे हो। क्या रिलेशन देख रहे हो, एक्स के अंदर जो वैल्यू है हमारे पास, वो एक्स का जो न्यूमरेटर नेगेटिव वाला पार्ट है वो वाई का पॉजिटिव वाला पार्ट है, एक्स का डिनोमिनेटर जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो वाई का डिनोमिनेटर नेगेटिव वाला पार्ट है। और जो वैल्यू फाइंड करनी है उसके अंदर क्या एक टर्म दिख रहा है हम लोगों को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है, एक्स वाई भी दिख रहा है। तो फिलहाल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, याद करो पिछले वीडियो में मैंने कराया था, जब जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना होता था हम लोग एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी को यूज करते थे। तो सबसे पहला काम, मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को देखते हुए मेरे दिमाग में एक बात आई कि एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी को यूज करना है, तो यूज करना है तो क्यों ना सबसे पहले एक्स प्लस वाई निकाल लिया जाए। तो एक्स प्लस वाई निकालने के लिए एक्स अपने पास दिया हुआ है, क्वेश्चन पहले के वीडियो में भी सारे के सारे हैं, वापस मैं लिख ही दे रहा हूं, आप क्वेश्चन पुराने वाले वीडियो में देख सकते हो, रैशनलाइजेशन के ऊपर मैंने जो भी दिया है वीडियो। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहला काम मैं फाइंड कर लेता हूं एक्स प्लस वाई। एक्स की वैल्यू है मेरे पास अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 एंड वाई की वैल्यू क्या था अपने पास अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। कुछ नहीं करना है, आप ये जानते हो कि इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं बट एक जैसा टर्म में क्यों ना मैं यहाँ एलसीएम ले लूँ। एलसीएम हो जाएगा मेरा रूट 5 प्लस रूट 3, रूट 5 प्लस रूट 3 इंटू रूट 5 माइनस रूट 3। और एलसीएम में जानते हो कि नीचे वाले टर्म को डिवाइड करते हैं और जो भी आता है रिजल्ट उससे ऊपर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्लियर है। तो नीचे वाले टर्म से रूट 5 प्लस रूट 3 से इस पूरे टर्म को जब डिवाइड करूंगा तो रूट 5 प्लस रूट 3 कैंसिल होगा हमारा, रूट 5 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा। और जब एक जैसा टर्म होता है तो ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा बेटा रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। सेम वही कहानी इधर भी चलेगी, रूट 5 माइनस रूट 3 से रूट 5 माइनस रूट 3 हमारा कैंसिल हुआ और वापस जब रूट 5 प्लस रूट 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट 5 प्लस रूट 3 इंटू रूट 5 प्लस रूट 3 रूट 5 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर जानते हैं हम लोग क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर √5 का स्क्वायर = 5 + b² √3 का स्क्वायर = 3 माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी √2 × √5 × √3 √5 × √3 ये हो जाएगा हमारा 2 × √15 हो गया ये a माइनस b का होल स्क्वायर। अब a + b का होल स्क्वायर a² + b² twice of सेम वही कहानी √15
अपॉन नीचे क्या देख रहे हैं हम लोग, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फाइनली ऊपर क्या आया मेरे पास, ऊपर आ गया 5 प्लस 3 8 और ये प्लस 2 रूट 15 माइनस 2 रूट 15 कैंसिल हो गया, 8 और 8 16 अपॉन 2 एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो आ गई 8। बहुत आसान। अब मैं क्या देख रहा हूं मेरे पास एक्स वाई, जो क्वेश्चन सॉल्व करना था उस क्वेश्चन के अंदर आप क्या देख पा रहे हो, क्वेश्चन के अंदर एक्स वाई वाला टर्म भी है। अब क्वेश्चन के अंदर एक्स वाई वाला टर्म है न्यूमरेटर के अंदर भी और डिनोमिनेटर के अंदर भी, तो अब हमारा काम होगा एक्स और वाई का प्रोडक्ट निकाल लेना, एक्स और वाई को फाइंड कर लेना। अब मैं फाइंड करने जा रहा हूं एक्स इंटू वाई। एक्स इंटू वाई निकालने के लिए फिर वही वाली बात, जो हमारे पास एक्स की वैल्यू है, एक्स को लिखा रूट फाइव माइनस रूट थ्री अपॉन रूट फाइव प्लस रूट थ्री, इसको इंटू कर देना है, किससे करना है भाई, रूट फाइव प्लस रूट थ्री अपॉन रूट फाइव माइनस रूट थ्री। बहुत आसान इंटू है, बिल्कुल टर्म एक दूसरे के अपोजिट है, ऊपर और नीचे ये कैंसिल हो गया और एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, वाई। अभी तक हम लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल लिया, सॉरी एक्स प्लस वाई निकाल लिया और एक्स वाई निकाल लिया। अब आ जाते हैं हमारे पास क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन था हमारे पास फाइंड करनी थी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आ जाओ इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। और कल भी बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम ऐसा बोल सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी। सेम वही कहानी नीचे भी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं बोल सकता हूं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। देखिए अपने पास क्या हो गया, अब अपने पास बस हम लोग अब आंसर तक पहुंच चुके हैं, बहुत ही आसान है ये, ठीक है। मैं ऐसा बोल सकता हूं इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ये हो गया मेरा माइनस एक्स वाई, और नीचे हो गया मेरे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई और माइनस एक्स वाई दैट इज माइनस थ्री एक्स वाई। आराम से वैल्यू को पुट कर देते हैं बेटा, x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 8, x प्लस वाई हमारे पास 8 है, तो मैं यहाँ 8 स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास 1 है, सो 8 स्क्वायर माइनस 1, नीचे 8 स्क्वायर माइनस 3 एक्स वाई की वैल्यू 1 है, 3 इंटू 1। फाइनली क्या आएगा मेरे पास, 8 स्क्वायर इज 64 माइनस 1 अपॉन 64 माइनस 3, 64 माइनस 1 इज 63, 64 माइनस 3 इज 61, 64 माइनस 3 इज 61, सो फाइनल आंसर इज 63 अपॉन 61, फाइनल आंसर इज 63 अपॉन 61। थैंक यू। अभी मैं तुरंत आप लोगों को दूसरे वीडियो में बाकी के 4 क्वेश्चन 8, 9, 10, 11 सॉल्यूशन सेंड कर रहा हूं। फिलहाल इस 2 क्वेश्चन को देखिए और खुद से प्रैक्टिस करो इसको, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर करो, शेयर करो, लाइक करो, कोई प्रॉब्लम हो मेरे नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कभी भी रिप्लाई जरूर दूंगा, थोड़ा लेट हो सकता है। मेरा नंबर है 9910788779। थैंक यू, गुड लक।